अमिताभ बच्चन ने बेटी श्वेता नंदा को 50 करोड़ का बंगला क्या गिफ्ट कर दिया कि गॉसिप बाजार में ऐश्वर्या की संपत्ति को लेकर चर्चाएं होने लगी है। वैसे किसी को ऐश्वर्या की संपत्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐश्वर्या की खुद की इतनी संपत्ति है कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, संपत्ति के मामले में ऐश्वर्या दुनिया की सबसे अमीर महिला कही जाती है। इतना ही नहीं, संपत्ति के मामले में ऐश्वर्या सबसे आगे पहुँच गई है। और तो और, ऐश्वर्या की संपत्ति के आगे उनके पति अभिषेक बच्चन कुछ भी नहीं है। ऐश्वर्या की संपत्ति की बात करें तो 16 साल पहले ही वो इतनी संपत्ति कमा चुकी है कि पूरी जिंदगी बैठकर दुनिया देख सकती है। जी हाँ, ऐश्वर्या की शादी के वक्त की बात करें, ऐश्वर्या ने 16 साल पहले जब अमिताभ बच्चन के लाडले बेटे अभिषेक बच्चन से शादी की थी तो उन्होंने करीब 75 लाख की साड़ी पहनी थी। मशहूर डिजाइनर लीला ने ऐश्वर्या के लिए कस्टम कांजीवरम साड़ी तैयार की थी। साड़ी का हर थ्रेड टॉप क्वालिटी का था, इसमें गोल्ड भी मिक्स किया गया था, साथ ही इसमें स्वारोस्की क्रिस्टल भी लगे थे जो दुनिया के सबसे महंगे क्रिस्टल माने जाते हैं। ऐश्वर्या ने अपने शादी में कुंदन, हीरे और पन्ने से बने आभूषण पहने थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। हर फिल्म के लिए ऐश्वर्या 10 से 12 करोड़ चार्ज करती है। फिल्मों के अलावा ऐश्वर्या का कोला, लक्स, लॉरियल जैसे कई सारे एड से करोड़ों रुपए कमा लेती है। ऐश्वर्या के पास कई लग्जरी बंगले भी हैं और तो और, उनकी गाड़ियों की कीमत भी 7 करोड़ से शुरू होती है। कुल मिलाकर ऐश्वर्या की नेटवर्थ 860 करोड़ है। उनके मुताबिक पति अभिषेक बच्चन कुछ भी नहीं है। अमिताभ ने अपनी संपत्ति का एक छोटा सा कोना बेटी को क्या दे दिया? ऐश्वर्या राय बच्चन बुरी तरह फंस गयी, तिल मिला गयी, लोग उनकी संपत्ति को लेकर बातें करने लगे। ऐसी बातें भी हो रही हैं, क्या अमिताभ अब ऐश्वर्या राय को पसंद नहीं करते हैं जो उन्हें गिफ्ट में अभी तक कोई बंगला नहीं दिया? हाल ही में ऐश्वर्या का जन्मदिन था और गिफ्ट ननद श्वेता को मिला। क्या ऐश्वर्या अब ससुर अमिताभ बच्चन के दिल से निकलती जा रही है? क्या अमिताभ ने बेटी को बंगला देकर बहू ऐश्वर्या को निराश कर दिया है? हर कोई ऐश्वर्या से सवाल पूछ रहा है कि शादी के 16 साल हो चुके, आपको अमिताभ ने कोई बंगला गिफ्ट नहीं किया? ऐसे वैसे सवाल सुनकर ऐश्वर्या राय का दिमाग खराब हो गया, वो बुरी तरह भड़कती दिखाई दी। वैसे तो ऐश्वर्या परिवार के बारे में कभी खुलकर नहीं बोलती है, लेकिन ससुर के इस फैसले के बाद ऐश्वर्या भी खुद को रोक नहीं पाएंगी और बताएंगी आखिर अमिताभ ने अचानक से बेटी श्वेता को सबसे कीमती बंगला क्यों दे दिया। क्या ऐश्वर्या से बचाने के लिए इस बंगले को श्वेता को गिफ्ट कर दिया गया ताकि ऐश्वर्या इस कीमती बंगले पर नजरें ना खराब करें, या फिर ऐश्वर्या ननद श्वेता की कोई इज्जत नहीं करती जिस वजह से अमिताभ ने बेटी को सबसे कीमती चीज दे दी? फिलहाल तो इस बारे में ऐश्वर्या का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सुनने में आ रहा है काफी वक्त से ऐश्वर्या की जया और श्वेता से झगड़ा हो रहा है। जब से अमिताभ बच्चन ने अपना बंगला प्रतीक्षा बेटी श्वेता के नाम किया है तब से ऐश अभिषेक के अलग होने की खबरें भी छाई हुई हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से ऐश और अभिषेक साथ में नहीं दिख रहे। ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के संग फोटो तो शेयर करती हैं, लेकिन उसमें अभिषेक नहीं होते। हाल ही में ऐश्वर्या ने पिता के बर्थडे एनिवर्सरी पर फोटो शेयर की थी, लेकिन उसमें भी अभिषेक नहीं दिखे। ऐश्वर्या ने अपना बर्थडे भी बेटी आराध्या और माँ के संग सेलिब्रेट किया था। दिवाली के मौके पर भी ऐश्वर्या अपनी बेटी के संग आउट ऑफ मुंबई चली गई थी और बच्चन परिवार ने अपनी बेटी के संग दिवाली सेलिब्रेट की। ऐश्वर्या की जगह दिवाली में लक्ष्मी पूजा श्वेता बच्चन ने की थी। लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक के संग फोटो क्यों नहीं शेयर करती हैं? क्या कुछ ठीक नहीं है? क्या बवाल होता ही जा रहा है जिस वजह से अमिताभ बच्चन को भी अपने बंगले का बंटवारा करना पड़ा? यूजर्स का तो ये भी कहना है कि ऐश्वर्या अब अपनी माँ के घर शिफ्ट हो गई है।